आज हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमिति आज का जो चैप्टर चलेगा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, आज ये नया चैप्टर शुरू होगा त्रिकोणमिति। तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, क्या मेन थ्योरी रहेगा तभी जो है हिसाब बन पाएगा। तो त्रिकोणमिति, तो इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। त्रि का मतलब हो जाता है तीन। त्रि मतलब क्या हो जाएगा, तीन। उसके बाद कोण, ये कोने हो गया, ठीक है। उसके बाद मिति मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या हो जाएगा, मापना। अब हो गया त्रिकोणमिति, तो मतलब क्या, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोण को मापने के बारे में पढ़ेंगे उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के तीनों कोण को मापने के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। उसी तरह से इसमें भी होता है, ट्राय मतलब होगा तीन, गोनो मतलब होता है कोण, मैट्री मतलब मापना। मतलब गणित की जिस शाखा में हम कोणों को मापने के बारे में पढ़ेंगे, यानी तीनों कोणों को मापने के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिभाषा लिख लो पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, त्रिकोणमिति लिखेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। एक चीज और क्लियर हो गया, हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। तो एक बात जान लो, त्रिभुज में ये त्रिकोणमिति में क्या होता है, तीनों कोण को मापने की बात, ठीक है। यानी गणित की शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों को मापने के बारे में पढ़ेंगे उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। यानी त्रिकोणमिति मतलब मापना, मतलब कोणों के मापने के बारे में। हाँ, लेकिन एक चीज है, जब तक त्रिकोणमिति चैप्टर चलेगा, या फिर हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति पार्ट में, गणित के ये त्रिकोणमिति भाग में जो हम सिर्फ एक ही कोण के बारे में पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, त्रिकोणमिति अध्याय में हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में हम किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे, सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, अब सवाल बनता है समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, ये भी जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज अपने पता चलेगा समकोण त्रिभुज आखिर है क्या, क्या तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इसका चित्र हम समझ सकते हैं, क्या हो जाएगा,
त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे उसको त्रिकोणमिति कहेंगे, नंबर एक। दूसरा नंबर, समकोण त्रिभुज क्या होगा, तो मतलब वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से, यानी किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होता है, तो तीन कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। और एक बात जान लो, किसी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, त्रिभुज में कितने कोण होगा, तीन कोण, तीन कोण में से मत सिर्फ एक ही कोण का मान 90 डिग्री हो सकता है, एक त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री नहीं होगा, ये भी बात है। तो यहां मान के चले हम ये त्रिभुज बना दिए, इसका कोण बी क्या है, कोण बी बराबर है 90 डिग्री, ये हो गया समकोण त्रिभुज, तीनों कोण में कोई भी एक कोण हो सकता है यही दे दे, लेकिन तीन में से कोण एक ही 90 रहेगा तो समकोण त्रिभुज उसको कहेंगे, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो। तो क्लियर हो गया, यानी त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बता देते हैं क्या, जैसे त्रिभुज इसके बारे में भी जान लेने में ठीक रहेगा, तभी तो पता चलेगा समकोण त्रिभुज क्या, उसके बारे में हम बता देते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल सतह को, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल सतह को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल सतह को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं क्या, तो इसी को हम लिखेंगे कोण के आधार पर, जैसे कोण के आधार पर, कोण के आधार पर जो है त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हो जाएंगे, तीन प्रकार के। तो पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, बस इसके बारे में हम लिख देते हैं, वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का मान 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से कम हो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दिख रहा है, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, मतलब न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, बस इसको हम समझा देते हैं, इसी समकोण त्रिभुज। तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन तरह हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज सिर्फ समझ लेते हैं, यानी त्रिभुज किसको कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल सतह को त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में क्या कोण है, एक दो तीन कोण, तीन भुजा होते हैं, तो तीन कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तो तीन प्रकार के, एक हो जाएगा न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण। न्यून कोण मतलब क्या, वैसा त्रिभुज जिसके
प्रत्येक यानी तीनों कोण, जैसे यही त्रिभुज हो गया, हम इसी चित्र में समझा देते हैं, जैसे ये तीन कोण होगा, ये तीनों कोण का मान जो है जब जीरो से बड़ा और नब्बे से कम होना चाहिए, तीनों कोण जीरो से बड़ा होगा और नब्बे से कम होगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसमें किसी, जैसे तीन कोण है, तो तीन कोण में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, कोई भी एक कोण 90 के बराबर हो सकता है तब उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं बनेगा। उसके बाद अभी कौन त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण, यानी त्रिभुज के जब तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान जो है 90 डिग्री से अधिक रहेगा और उसके बाद 180 डिग्री से कम रहेगा तब उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। बस तीन कंडीशन, जब जीरो और 90 के बीच रहेगा तो न्यून कोण त्रिभुज, जब तीन कोण में से एक कोण 90 रहेगा तो सम कोण, जब वही 90 से अधिक और 180 से कम तीनों में से किसी एक कोण तब उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तब इसको मिटा देते हैं। क्या तो ये हो गया कोण के आधार पर क्या, उसके बाद जो है है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर देखो, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज जो है ना तीन प्रकार के होगा, भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, तीन प्रकार का होगा। तो एक नंबर में जैसे हो जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, बस इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज, सिर्फ हम चित्र से समझा देते हैं, ये एबीसी समबाहु त्रिभुज होगा जब तीनों भुजा इसका क्या हो, आपस में बराबर, मतलब तीनों भुजा जो है ना आपस में बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, शॉर्टकट में इसको हम समझा देते हैं क्या, तो यानी इसका प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तब उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, तीनों कोण यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी 60 डिग्री, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज के साथ। ठीक है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसको, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे, और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितने डिग्री का होता है, तो 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जैसे ये पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यदि कोई भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु। जैसे समद्विबाहु के लिए इसमें है पी क्यू बराबर क्यू आर, अर्थात दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर, तब उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजा में से कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद इसका शर्त होता है बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होते हैं, यानी जो भुजा बराबर रहेगा उसका संगत कोण, यानी जैसे ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है बराबर है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने कोण ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होता है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, तो मतलब वैसा त्रिभुज जैसे ए बी सी, ये विषमबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर नहीं रहेगा बी सी, अब बराबर नहीं होगा ए सी,
अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में ओ समान हो, अलग अलग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? विषमबाहु। जैसे मान के चलो ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पांच, तीनों तीन जैसा, तब इस तरह के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा अलग अलग है, तीनों कोण भी क्या होगा इसका? अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह के तो भुजा के आधार पर समबाहु, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसके एक सूत्र होता है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है, इसको याद रखना। ये परीक्षा में हो सकता है पूछ दे, समबाहु त्रिभुज के मतलब एक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 60 डिग्री का। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका दो भुजा बराबर होगा, जब दो भुजा बराबर होगा उसी जो भुजा बराबर है उसका संगत कोण बराबर होगा। उसके बाद विषमबाहु, कोई भुजा बराबर नहीं, इस तरह से हो जाएगा भुजा के आधार पर। लिखो, और हमें जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ किसका जरूरत है? त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम सिर्फ पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज, सिर्फ हमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना। ये बेसिक जानकारी के लिए हम बता दिए, हमें सिर्फ जरूरत था क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में। लेकिन ये सब जानकारी रहेगा तो बेहतर रहेगा, इसीलिए बता दिए। अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल गया। अब देखो त्रिभुज के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, त्रिभुज के तीन कौन होते हैं, यानी एक त्रिभुज में कितने कोण होगा? तो तीन कोण होगा, त्रिभुज में तीन कोण। उसके बाद त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है, यानी भुजा भी त्रिभुज में तीन वो होगा। उसके बाद जो है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे यह त्रिभुज हो गया एबीसी, तो इसमें भुजा क्या हो जाएगा? पहले तीन कोण है, तो कोण ए, कोण बी तथा कोण सी, इसका तीन कोण हो गया। उसके बाद भुजा हो जाएगा ए बी, बी सी तथा ए सी, तीन भुजा हो गया। और उसके बाद तीनों अंतः कोण, यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, हो जाएगा 180 डिग्री। ये त्रिभुज में तीन कोण होगा, तीन भुजाएं होगी, और तीनों कोणों अंदर वाला ये तीनों कोण जो है इसका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और हमें पढ़ना सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में, उससे भी संबंधित लिख लेते हैं। समकोण, यहां सिर्फ हमें इसी का जरूरत है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज के तीन कोणों में से एक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो समकोण त्रिभुज हमको जो है त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना, समकोण त्रिभुज। इसके बारे में हम डिटेल्स जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में से एक कोण 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है। हम जो पढ़ेंगे तीनों कोण में से एक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। उसके बाद समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग क्या हो जाएगा? बराबर होता है, यानी बड़ा भुजा जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे, उसके बाद शेष दो भुजा का स्क्वायर करेंगे तो दोनों बराबर होगा। इसको हम चित्र से समझ सकते हैं। ये ऊपर वाला मिटा दें, ये वाला मिटा दें,
जैसे देखो अभी हम लिख के दिखाते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका बी कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो पहला शर्त है तीनों कोण में से एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 बना दिए ये समकोण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा शर्त है कर्ण, यानी सबसे जो बड़ी भुजा होगा उसी को हम कर्ण कहेंगे, या तो जो सबसे बड़ी भुजा, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है एसी, एसी का स्क्वायर वही करा यानी कर्ण का वर्ग। शेष अन्य दो भुजा, अब दो भुजा क्या बचा, एक बच गया ए बी का स्क्वायर जो बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। यानी समकोण त्रिभुज में जो है बड़ी भुजा उसी को हम कर्ण कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजा के क्या होता है वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इस सूत्र का बहुत ज्यादा उपयोग होगा इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत, ठीक है, इसी पर ये पूरा। अब हम इसको मिटाते हैं, लिख लो ये, तो ये दोनों शर्त लिख लिया, यानी समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों में एक कोण 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है बराबर। हाँ लेकिन ये शर्त तभी लिखेगा जब बी कोण 90 होगा, अगर हम सी 90 बनाएंगे तो फिर ये बदल जाएगा, क्या भुजा का मान बदलेगा ना जब कोण बदलेंगे। तो हम तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित कुछ पॉइंट्स है उसको हम पहचान लेते हैं सबसे पहले। समकोण त्रिभुज में तीन चीज होता है, अभी तुरंत बताए थे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के योग के क्या होता है बराबर। तो इसमें हम पहचाने इसमें तीन चीज आएगा, एक आएगा कर्ण, एक आएगा लंब, एक आएगा आधार। ये पूरे त्रिकोणमिति में ये तीन शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है, यानी इसी पर पूरे त्रिकोणमिति है, कर्ण लंब और आधार। जिसके दिमाग में ये तीनों सेट कर गया तो समझ जाओ त्रिकोणमिति खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो हमें बस सेट क्या करना है ये समझ लो, जैसे ये त्रिभुज दिया तो हमें इसमें पहचानना है कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा। तो हम सबसे पहले कर्ण की बात कर लेते हैं, हम कर्ण को कैसे कैसे पहचानेंगे जो कौन कर्ण है। तो जब भी समकोण त्रिभुज दिया रहे तो उसमें सबसे जो बड़ा भुजा दिखेगा उसको हम कर्ण कहेंगे, सबसे बड़ा भुजा को क्या कहेंगे। जैसे ये त्रिभुज है इसमें सबसे बड़ा क्या है एसी है, यानी एसी हो गया सबसे बड़ा, देखने के बाद खुद पता चल जाएगा एसी क्या है बड़ा है, तो एसी हो जाएगा तुमको कर्ण, नंबर एक तरीका पहचानने का। दूसरा तरीका 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वो कर्ण होगा, ये 90 है ना, यहां से तुम देखो इस पर आ गया, या 90 पर यहां पर तुम आंख ले जाकर देखेगा सीधे सीधे तुमको यही भुजा दिखेगा, अर्थात 90 के सामने जो भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा कर्ण। एक चीज तो फिक्स हो गया परमानेंट, कोई भी समकोण त्रिभुज बना देंगे यदि हम इसको इधर से घुमा दें क्या फर्क पड़ता है, यदि इसका नाम रख दे पी क्यू आर, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा ये वाला भाग क्या हो जाएगा रे कर्ण, यानी बड़ी भुजा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, या तो कहेंगे हम 90 के सामने वाला कर्ण। बोलो कर्ण पहचान लेगा, पहचानेगा ना, बोलो ना। उसके बाद जो है कर्ण पहचानने के बाद ये फिक्स है कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगा, त्रिभुज का जो सबसे बड़ा होगा वही कर्ण होगा सबके लिए। उसके बाद अब क्या बच रहा है लंब और आधार, ये दो चीज को समझना पड़ेगा बस, ये दो ही चीज, एक तो क्लियर हो गया। इसमें अब क्या होगा जैसे इस कोण के हिसाब से चलेंगे यदि हम अब इस त्रिभुज में कोण बी के हिसाब से, किस कोण के हिसाब से बी के हिसाब से, तो इसमें बी के हिसाब से लंब ये हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार, अर्थात जो नीचा में रहेगा जैसे ये जमीन के समांतर है यानी नीचे में, तो ये आधार हो जाएगा और जो ऊपर से सीधा खड़ा रहेगा वो क्या हो जाएगा लंब, जो खंभा की तरह खड़ा रहेगा। उसके बाद इस चित्र में यदि हम देखें तो ये लग रहा है एकदम आधार है, क्या
नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा आधार, और ये सीधा ऊपर से आ रहा है क्या रे, तो ये हो जाएगा तुमको कौन चीज लंब। ये तो था इस किस कोण के हिसाब से, कोण क्यू के हिसाब से। अब एक चीज और है इसमें समझने वाली बात, ये तो हम इसके हिसाब से जो 90 डिग्री का कोण बनेगा वो 90 डिग्री वाला कोण के हिसाब से लंब हो जाएगा ये, और आधार नीचे वाला, लंब ऊपर वाला आधार नीचे वाला। लेकिन अब सवाल ये तो आसानी से हम पहचान लेंगे, लेकिन यदि हम कहे कोण ए के हिसाब से, इस चित्र को देखो, इसमें कोण ए यहां पर है, इसके हिसाब से लंब क्या होगा, लंब और आधार, तो मान बदल जाएगा लंब आधार का, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण बड़े वाला है तो वही रहेगा फिक्स है। तो हम कोण ए के हिसाब से बात कर रहे हैं, किसके हिसाब से, तो हम कोण ए पर पहुंच जाएंगे सीधा, कोण ए के सामने जो भुजा होगा, कोण ए के जो सामने सामने भुजा होगा उसको हम लंब कहेंगे। यहां से यदि तुम गौर से देखेगा तो इसके सामने कौन भुजा है, बीसी, सामने सामने भुजा कौन है, बीसी है, तो कोण ए के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, बीसी। आप बताओ कर्ण क्या है, कर्ण तो बदलता नहीं है, एसी क्या, उसके बाद तो आधार क्या हो जाएगा, जो बच गया आधार क्या हो जाएगा, ए बी। ये हम किसके अनुसार लिखे हैं, कोण ए के अनुसार। अब यदि हम कहें कोण बी के हिसाब से तब क्या कंडीशन आएगा, लंब, कोण बी कहां पर है, कोण बी यहां है, इसके बारे में हम बता दिए, ये जो ऊपर से आएगा लंब हो जाएगा, और इसका आधार क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, बीसी। यहां नहीं लगाना है सामने वाला भुजा, कहे कि इसके सामने वाला भुजा तो 90, ये कोण 90 है, इसके सामने वाला भुजा कर्ण है ना रे, अरे तो ये कहेगा 90 वाला में सामने वाला भुजा लंब होगा तो गलत हो जाएगा, कहे कि कर्ण नहीं बदलता, कर्ण फिक्स रहेगा सबके लिए, तो बी के हिसाब से ये हो जाएगा। फिर बात करें कोण सी के हिसाब से, तो लंब हो जाएगा तुमको सी के हिसाब से, ये इसके सामने वाला भुजा, सामने में कौन है, ए बी, ए बी लंब, उसके बाद आधार क्या हो जाएगा इसका, जो बच गया बीसी, कर्ण तो फिक्स है नहीं बदलेगा, कर्ण एसी ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं लंब, कर्ण और आधार को, एकदम सिंपल है। इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में यदि बात करें कोण पी के हिसाब से, तो लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, लंब क्या हो जाएगा, आर क्यू, और आधार इसका क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, क्योंकि ये लंब हो गया यही ना आधार होगा, ये तो कर्ण है बड़का भुजा क्या, कर्ण बदलता नहीं है। अब कोई भी त्रिभुज यदि हम बना दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किधर भी हम घुमा दें, सिर्फ समकोण त्रिभुज होना चाहिए, एम एन ओ, तो यहाँ 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो गया, कर्ण, तीनों कोण के लिए कर्ण ना, अब बदलेगा लंब आधार। अब हम जिस कोण की बात करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, हम बात करेंगे कोण ओ, इसके बारे में कोण ओ, तो कोण ओ यहाँ पर ना, इसके हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, हाँ तो लंब हो जाएगा एम एन, और आधार क्या हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, एन ओ, ठीक है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं, बस लंब पहचाने का यही तरीका, जो कोण का बात कर, हाँ लेकिन एक चीज हम कह दे यदि कोण एन के हिसाब से लंब क्या होगा, तो एन तो 90 डिग्री नहीं, इसके सामने वाला कर्ण होगा, हाँ इन्हें कह देना लंब, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम स्पष्ट देख रहा है, ये जो है आधार की तरह है और ये खड़ा है, खड़ा है नहीं, और ये हो जाएगा तुमको ओ एन हो जाएगा लंब, और एम एन हो जाएगा आधार, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है, इसको मिटा रहे हैं क्या, इसमें तो समझना सिर्फ था, कभी कभी क्वेश्चन देखो किस तरह से घुमाएगा, लिख देगा एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, बताओ तो कौन सा कौन, ये क्वेश्चन दे दिया तुमको, आप बताओ कौन कौन होगा 90 डिग्री, कौन ए 90 होगा कि कौन बी 90 होगा कि कौन सी 90 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बताओ तो इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है,
कौन सही होगा, कौन सब ऑप्शन सही है। यानी एक त्रिभुज में बताए हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्ग क्या है, बराबर है। तो बताओ कौन कौन 90 होगा, तो यहाँ कौन सी ये नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ये कौन बी 90 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो ये चित्र बना भी है तुम्हारे सामने, ये हो गया ए बी भुजा ना, ये बी सी और ये हो जाएगा ए सी, तो कौन कौन 90 है। इसको पहचानने का सिंपल तरीका देखो, हम क्या लिखे हैं ए सी स्क्वायर में लिखे हैं, मतलब ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया कर्ण, बाकी लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जो यहाँ लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा वही 90 डिग्री होगा। तीन चीज इसमें है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इसमें कौन सी है, ए है और सी है, तो बचा क्या बी हो जाएगा 90 डिग्री, कौन बी बराबर 90 डिग्री, बस क्लियर, ठीक है ना। अगर ये त्रिभुज नहीं देकर, अब हम त्रिभुज बदल के दिखाते हैं, अब हम त्रिभुज बदलते हैं, अगर ये त्रिभुज रहेगा एल एम एन, ठीक है, मान लो एक त्रिभुज है और इसमें तुमको दे दिया है एल एन का स्क्वायर बराबर एल एम स्क्वायर जोड़ एम एन स्क्वायर, तो बताओ कौन कौन 90 डिग्री होगा, कौन एल का मान होगा 90 कि कौन एम का मान होगा 90 कि कौन एन बराबर होगा 90 कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, एल एन लिखा है, एल और एन इसको छोड़ दो तो बचा क्या एम एन बचेगा, ये 90 डिग्री होगा कन्फर्म, ठीक है इस तरह से। उसके बाद अब तुम्हें सामने इस तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है, निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्टिव रहेगा तो रहेगा ये त्रिकोण भी दिखा, उसके बाद दूसरा सवाल ऐसा नहीं देगा। अब तुम्हें सामने हम लिख देते हैं, लिखेंगे यदि ऑब्जेक्टिव त्रिभुज जो है ए बी सी में कौन सी समकोण हो तो कौन सा कथन सत्य है। आप देखो एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें कौन समकोण है, सी समकोण है, तो कौन सा कथन सत्य होगा, ऑप्शन देख लो, ए ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जोन ए बी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, बताओ अब कैसे पहचानेगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सी समकोण है तो कौन सा कथन सत्य है, इसको तीन नंबर से गलत हो जाएगा। हाँ तो इसको देखो हम कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले चाहो तो तुम इसका चित्र बना लो, कंफ्यूजन दू, पहला नंबर हम चित्र बना लेते हैं, बस बातें खत्म हो जाएगा, जो 90 का है उसको लिख दो सी 90 है, बचा क्या ए बी चाहे अकरा मान लो, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अब क्लियर हो गया, तो सी हो गया 90 तो ये हो जाएगा कर्ण, नहीं होगा कर्ण, तो ए बी तुमको हो गया कर्ण, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर जोर बी सी का होल स्क्वायर, मिलाओ इससे कौन मिल रहा, देखो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी है ना इसमें और ए सी, बस यही सही है, एक तरीका है ना। दूसरा तरीका, एक तरीका इससे तुम चित्र बनाएगा क्लियर हो जाएगा, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल, जैसे ये त्रिभुज दिया हुआ किस कोण का बात कर रहे हैं, यहाँ एल थोड़ी है, ये कोण का संकेत होता है सी, ये संकेत हो गया कोण का और यहाँ लिखा जाती है सी कोण, तो सी कौन समकोण है, कौन कौन समकोण है सी, सी समकोण है, बस सी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, अरे सी को छोड़ देंगे क्या बचेगा, ए बी बचेगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू जो लिखा है वही सही होगा, देखते हैं कहां पर है, यहाँ बी सी लिखा है, यहाँ ए सी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है ए बी, ये सब क्या
काहे कि कर्ण हो जाएगा, ए बी सी लिखा हुआ है समकोण, तो सी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, सी अगर समकोण है तो सामने वाला भुजा ए बी हो जाएगा जो कर्ण होगा क्या। अब हम कहेंगे कोण ए समकोण है तो बस दिमाग में एडजस्ट कर लो बी सी क्या हो जाएगा कर्ण, जब ए समकोण है तो बी सी होगा कर्ण, क्योंकि त्रिभुज में तीन ए बी सी रहेगा तो ए तो समकोण है तो बचेगा दुई भुजा वही उसके सामने आएगा, बस क्लियर हो जाएगा इस तरह से क्या। अब बाकी तो चित्र बना लो, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्या। तो इस तरह से हम त्रिकोणमिति को ऑब्जेक्टिव पे जवाब दे सकते हैं, इसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं देखा तुमको घुमाने के लिए दूसरा तरीका भी अपना सकता है, जैसे भी देखो यही सवाल है तुम्हारे सामने सेम टू सेम, या थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, कौन इसमें ए कर देते हैं संभव ठीक है, और यहां हम चित्र भी बना देते हैं इस बार, ये हो गया तुमको कौन ए ए बी सी लिख दिए ना। अब यहां हम दे देंगे तुमको मान एक्स वाई जेड लिख दिए, अब हम तुम्हें सामने में ऑप्शन देंगे जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जो जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर, तो बोलो कौन सा कथन इसमें सत्य होगा, ये दे देंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बोलो कौन सा कथन चार गो में सही है, बोलो बस सिंपल है, हम बताए थे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के योग के क्या होता है बराबर होता है, तो बड़ा भुजा क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर का ये कर्ण के सामने है ना, यानी 90 के सामने है तो कर्ण नहीं यही होगा कर्ण, तो कर्ण ये हो गया इसका शेष दो भुजा के योग के बराबर होगा वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर, इससे जो मिल रहा है वो सत्य कौन मिल रहा है एक नंबर कैसे मिल रहा है, ये तो जेड स्क्वायर ये वाला मिल रहा है क्या, ये मिल रहा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर जो जेड स्क्वायर ठीक है, तो समझ में आया बात, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव देता है एग्जाम में त्रिकोणमिति का। अब इसमें से कुछ हम सूत्र लिख देते हैं जो कल याद है, चलो देखो इस तरह से लंब आधार और कर्ण जो पहचान लिया था त्रिकोणमिति कुछ भी नहीं है, चलो अब लिखो इससे संबंधित सूत्र, जैसे एक नंबर में लिखेंगे हम साइन थीटा, इसका सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण ठीक है, उसको उसके बाद दूसरा सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा, इसका सूत्र होता आधार बटा कर्ण, तीसरा सूत्र हो जाएगा टेन थीटा लंब बटा आधार, चौथा सूत्र हो जाएगा कॉट थीटा आधार बटा लंब, पांचवा सूत्र हो जाएगा तुमको सेक थीटा कर्ण बटा आधार, उसके बाद छठा सूत्र हो जाएगा कोसेक थीटा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो गया सूत्र ठीक है। साइन थीटा का क्या सूत्र होगा लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का क्या होगा आधार बटे कर्ण, टेन हो जाएगा लंब बटे आधार, कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, और सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब एक चीज हमें गौर करना है, रुक जाओ पहले देखो समझो, तो यहाँ साइन थीटा का मान जो है गौर से देखेंगे तो कोस के उल्टा है जस्ट, यानी हम साइन का मान याद कर लेते हैं लंब बटे कर्ण, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोस थीटा कर्ण बटे लंब, उसी तरह से देखो कोस की यदि हम
उल्टा कर देते हैं तो आधार बटा कर्ण है, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। उसी तरह से टेन को यदि हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद टेन को यदि हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। क्या अनिलम बटे आधार है, इसको उल्टा कर देंगे, आधार बटे लम, बस मान उलट देना है सिर्फ। उसके बाद देखो इसको याद कैसे रखेंगे, लम को जो है संकेत में पी कहते हैं और कर्ण को क्या कहेंगे, एच। ठीक, पी से होता है परपेंडिकुलर अर्थात लम्ब और एच से होता है हाइपोटेनस कर्ण, संकेत अंग्रेजी में से लिखेंगे। उसी तरह से आधार को यानी बी बटा ये क्या हो जाएगा, एच, आधार बटा कर्ण। उसी तरह से फिर यहां हो जाएगा पी बटा यानी लम्ब बटा आधार, यानी लम्ब को पी से सूचित करेंगे आधार को बी से, यहां हो जाएगा बी बटा पी और यहां हो जाएगा एच बटा बी और यहां हो जाएगा एच बटा बी। इस तरह से हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होगा वो भी लिख लेते हैं हम, यहां पर लिख के दिख रहा है यहां पर, जैसे पर पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हो जाएगा लंब, उसके बाद होता है बेस, बी एस सी बेस हो जाएगा उस, ये हो जाएगा आधार, इसके लिए बी उपयोग करेंगे। उसके बाद होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो इसका हो जाएगा कर्ण, तो तीन हो जाएगा यानी तीन परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा, उसके लिए हम पी उपयोग करेंगे लंब के लिए। उसके बाद बेस आधार के लिए बेस यानी बी उपयोग करेंगे और उसकी उसी तरह से जो है कर्ण के लिए हाइपोटेनस कर्ण हो जाएगा। उसके बाद जो है तो ये हो गया तुमको, अब हम साइन थीटा का सूत्र क्या बोलेंगे, पी बटा एच, कोस थीटा को बी बटा एच, टेन थीटा को पी बटा बी और कोट को बोलेंगे बी बटा पी, सेक को बोलेंगे एच बटा बी और कोसेक को बोलेंगे एच बटा पी। तो ये सूत्र हो गया तुमको इंग्लिश में, पी से परपेंडिकुलर बता दिए हैं क्या, इस तरह से याद कर सकते हैं हम इसको। बस ये छो जो है, ये छोबो मान जो है त्रिकोणमिति में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ये छो पर ही पूरे त्रिकोणमिति है और इसका सूत्र बस यही है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और उसके बाद लंब बटा आधार। इस तरह से हम इस सबको याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है इसको याद करने के लिए, इसको हम लिख सकते हैं समझने के लिए, देखो पी और इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे, तीनों को ऊपर में हम, ये तीनों मान ऊपर में है। ठीक है, तो हो जाएगा इसके लिए बीस ले लेते हैं पंडित, अब बीस हो जाएगा बद्री, अब बीस फिर प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, फिर ये नीचा वाला का लेंगे हम, हर हर बोले, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद हो गया तो हम आसानी से साइन कोस और टेन को याद कर सकते हैं। बस कुछ नहीं, पंडित हर बद्री हर प्रसाद बोले क्या, यानी बट्टा में देख लो ऊपर नीचा करते जाएंगे, इसका पी एच बी एच पी बी हो गया, ये हो जाएगा तुमको साइन कोस टेन। ठीक है, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद देखो उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको मिटा रहे हैं क्या, मिटाते हैं। उसके बाद इसको हम फिर से मिटाते हैं, देखो एक तरीका और है इसको याद रखने का, तो
इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ऊपर वाला तीनों लिए हैं, पीस ले सकते हैं पाकिस्तान, देखो बी से भूखा और फिर पी से प्यासा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा। फिर नीचे वाला का यदि हम ले तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, यानी इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, यानी आसानी से याद रख सकते हैं तीनों को, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी ये इससे जो है हम साइन कॉस टेन आसानी से याद हो गया, यानी पाकिस्तान बटा हिंदुस्तान भूखा हरा क्या, इस तरह से हम सूत्र को याद रख सकते हैं। उसके बाद इसी चीज को हम नीचा से भी करेंगे, देखो पाकिस्तान भूखा और प्यासा हो जाएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और उसके बाद इसके बाद लेंगे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से हम सूत्र को याद कर सकते हैं। क्या जैसे ही हमको साइन कोस और टेन याद हो गया तो हम साइन को उलट कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, कोस को उलट देंगे तो सेक आ जाएगा, और टेन को उल्टा करेंगे तो कोट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सूत्र को हम याद रख सकते हैं, तो ठीक है। तो ये था बेसिक त्रिकोणमिति का, अब इसके बारे में कुछ सूत्र और बच गया,